गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। एंड बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू से राइट योर नेम इन कमेंट बॉक्स फॉर योर अटेंडेंस, ओके? अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट इन पीरियोडिक नंबर टू एंड योर फाइनल एग्जामिनेशन, ओके? सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 12.1 क्वेश्चन नंबर 3। अप टू 1 एंड 2 क्वेश्चन वी हैव डन इन प्रीवियस वीडियो, राइट? सो इन दिस वन वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, राइट? हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। इसकी जो लेंथ है ना, देखो, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इसकी ब्रेड्थ को कुछ ना कुछ ले लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं। लेट ब्रेड्थ बी एक्स, मान लेते हैं कि रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ है वो कितनी है, एक्स मीटर है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ विल बी इक्वल टू ब्रेड्थ इज एक्स, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ट्वाइस मींस दिस विल बी 2x, करेक्ट ना? कैन वी टेक, यस। सो इट्स सेइंग फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, इतना ही है ना? आगे और है थोड़ा सा ब्रेड्थ, एंड इट्स पेरीमीटर आल्सो गिवन, एंड इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर गिवन 30 मीटर, राइट? पेरीमीटर भी दिया है इसके अंदर, एंड दैट इज 30, एंड दिस ऑल आर इन सेंटीमीटर, ओके? सो वी विल टेक सेंटीमीटर ओनली, राइट? ओके, so these things are given. So first of all, for finding area, because we want to find area, for area we have to find length and breadth first. अब length भी नहीं है हमारे पास, breadth भी नहीं है, but उनकी dimensions ratio में है और हमारे पास perimeter है. So by help, with the help of perimeter, we will find length and breadth, and then we will find area. So now perimeter, you know what is the perimeter? 2 multiply by l plus b is equal to पेरीमीटर। वी आर टॉकिंग अबाउट रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर तो यही होता है ना, ओके? 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी इज इक्वल टू पेरीमीटर। सो 2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज एल, एल इज 2x प्लस ब्रेड्थ इज एक्स, एल की जगह एल लिख दिया, बी की जगह बी लिख दिया, इज इक्वल टू पेरीमीटर, वी कैन टेक हियर 30, राइट? दिस इज 30, सो कैन वी टेक हियर, देखो 2 का डिवाइड कर देंगे यहां पर और इनको ऐड करेंगे, 2x plus x will be equal to 3x, right? And this 2 we can divide here, 30 divided by 2, right? By cross multiplication. So when we will divide this, x will be equal to 30 se divide karein, kitna aega? 15. And this again, this 15 will come, and again we will divide by 3. Kitna aega? 3 5 ja 15. It means x is equal to 5. This is the value of x. This is not length or breadth. This is the value of x. अब यहाँ हम करते हैं next part. क्या देखो breadth. So breadth कितनी हो जाएगी? So breadth is equal to x is equal to 5 cm. यहाँ देखा ना, ये 5 by x, right ना? और length कितनी हो जाएगी? Length will be equal to 2x means 2 multiplied by 5. ये हो जाएगी 10 meter, right? This will be 10 meter. So now can we find area? Find the area. एरिया फाइंड कर सकते हैं ना? सो एरिया विल बी इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय बी, एल इनटू बी होता है ना एरिया, ओके? एल इज 10, बी इज 5, 10 5 जा 50 स्क्वायर सेंटीमीटर, डन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, होप यू अंडरस्टूड। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखो, बी कंटिन्यू विद द सेम, ओके? जब तक समझ में नहीं आया उसको देखते रहो, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू टेक नंबर 4, फर्स्ट आई विल रेस, देन वी विल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूँ। अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, एक वायर है जो रेक्टेंगल की शेप में है, हुज डायमेंशंस आर 12 and 9 cm, मींस लेंथ एंड ब्रेड्थ आर गिवन, ओके? इट इज रीबेंड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर। देखो
लेंथ एंड ब्रेंथ, एक वायर है, समझना इसको ध्यान से, एक वायर है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। द लेंथ ऑफ द वायर इज 12 सेंटीमीटर, इट इज गिवन 12 सेंटीमीटर, एंड ब्रेंथ इज गिवन 9 सेंटीमीटर, एक वायर। अब इस वायर को हमने क्या किया, एक वायर था उसका बना लिया हमने स्क्वायर, वो रेक्टेंगल बना लिया, उस वायर को हमने सीधा किया और क्या फिर से रीबेंड किया, मतलब दोबारा से हमने इसको क्या किया, स्क्वायर की फॉर्म में बेंड कर दिया, राइट, इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, गेटिंग ना, वी आर जस्ट रीबेंडिंग द सेम वायर इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर की फॉर्म में रीबेंड करेंगे तो इसकी साइड क्या होगी, साइड तो नहीं पता क्या होगी, लेकिन इतना पता है कि इसका पेरीमीटर सेम है, बिकॉज वायर इज सेम, सो लेंथ ऑफ वायर विल बी सेम ना, एंड टोटल लेंथ ऑफ वायर विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, राइट ना, सो दिस इज 12, दिस इज ऑल्सो 12, सो कैन वी से पेरीमीटर वी हैव टू फाइंड, मैं लिख देता हूँ लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर, राइट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एंड व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यू नो दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी, और यू कैन ऐड डायरेक्टली आल्सो 12 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 9, एज आई टोल्ड यू, यू कैन ऐड एंड यू कैन फाइंड, सेम विल कम, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एल इज 12, बी इज 9, करेक्ट ना, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 9 इज इक्वल टू 21, राइट, सॉरी नॉट 21, दैट इज ए, हाँ 21 ही आएगा, है ना, सो दिस विल बी इक्वल टू 21 टू जो 42, है ना, दैट इज 42 सेंटीमीटर है इसकी टोटल वायर की लेंथ, आ गया होगा समझ में, वायर की लेंथ अगर टोटल 42 सेंटीमीटर है तो कैन वी फाइंड, देखो ये जो लेंथ है वो लेंथ इसी वायर के इक्वल है, राइट ना, इज इट और नॉट, सो हियर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, करेक्ट ना, क्यों है इक्वल ये, क्योंकि इन दोनों का वायर सेम है, ये सेम वायर से दोनों बना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ गया ना, ओके, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, वही दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अभी हमने क्या किया है, फाइंड किया है ना, एक 9 है ना, ठीक है, क्या फाइंड किया हमने, 42, सो दिस विल बी इक्वल टू 42, तो साइड क्या हो जाएगी, साइड विल बी इक्वल टू 42 डिवाइड बाय 4, कितना आया, देखो 42 में आप 4 का डिवाइड करते हो तो कितना आता है, 4 बन जा 4 बचा 2, फिर क्या आएगा यहाँ पर 0, है ना, और यहाँ क्या लगाएंगे डेसिमल, 4 5 जा 20, 10.5 सेंटीमीटर आ रहा है, कितना आ रहा है 10.5 सेंटीमीटर, राइट, आ गया होगा सबको समझ में, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे नंबर 5, ये 4 था ना, अब हम नंबर 5 लेंगे, तो लेट मी इरेज दिस वन, देन वी विल रीड, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, यू कैन सी फ्रॉम योर बुक द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, ओके, इन योर बुक इट इज रिटन हियर द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज द सेम एज द रेक्टेंगुलर प्लॉट, राइट, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट इज 90, रेक्टेंगुलर प्लॉट और स्क्वायर प्लॉट की जो साइड है वो दोनों की क्या है, सेम है, राइट, हम लिख सकते हैं यहां पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, करेक्ट है, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, अच्छा साइड क्या है एरिया इसकी रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल की भी साइड, या देखो ये तो रेक्टेंगल का एरिया हो गया और ये किसका हो गया, स्क्वायर, स्क्वायर मैंने बना दिया, इट इज गिवन हियर साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज, साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज 90, इसकी साइड जो है वो 90 है, तो सारी 90 जाएंगी, तो है ना, ऑल आर सेम ना,
एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 100, दिस वन इज 100, राइट, ये 100 हो जाएगी, करेक्ट है ना। अब ये 100 है, ये 90 है, फाइंड क्या करना है, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ, ये ब्रेड्थ फाइंड करनी है हमको, ये वाली ब्रेड्थ नहीं पता ना हमको, क्या है नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोज मोर एरिया। पहले हम क्या करते हैं, इसकी लेंथ है, ब्रेड नहीं है, इसकी साइड है, वी नो एवरीथिंग, राइट। सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनका जो एरिया है वो इक्वल है, तो इनको इक्वल करते हैं। इसका एरिया क्या होता है, एल मल्टीप्लाई बाई बी, एरिया ऑफ दिस वन इज साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, होता है कि नहीं होता, दोनों का एरिया सेम होता है ना, तो क्या हो जाएगा, एल इंटू बी मल्टीप्लाई बाई साइड इंटू साइड। अच्छा लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ इज 100 मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ, हमको बी लेनी है, बिकॉज वी वॉन्ट टू फाइंड, राइट, दिस विल बी इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, 90 मल्टीप्लाई बाय 90, समझ में आ रहा होगा, ओके। सो द बी विल बी इक्वल टू, देखो 100 का डिवाइड करना पड़ेगा ना, बी विल बी इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाई 90 अपॉन 100, करेक्ट ना। तो 102 10 कैंसिल, 102 10 कैंसिल, सो ब्रेड्थ विल बी इक्वल टू क्या है, ब्रेड्थ 99 जा 81, दिस इज द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, करेक्ट ना, 81 मीटर में है शायद, इट इज गिवन मीटर, यस 81 मीटर, ये भी सारा मीटर में है, समझ में आ गया, ब्रेड्थ आ गई। अब बोल रहे किसका एरिया ज्यादा है या किसका एरिया कम है, तो एरिया निकाल लो सबका, नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल मल्टीप्लाई बाई बी, एल कितना आया है 100, इट इज गिवन, ब्रेड्थ कितनी आई है 81, सो टोटल एरिया इज 81 स्क्वायर मीटर, 8100 स्क्वायर मीटर, राइट ना। सो सेकंड एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का क्या हो जाएगा, साइड इनटू साइड 90 मल्टीप्लाई बाय 90, राइट ना, तो 90 मल्टीप्लाई 9 जा 81 00 स्क्वायर मीटर, किसी का भी एरिया बड़ा नहीं है, राइट, बोथ आर इक्वल, सो बोथ हैज इक्वल एरिया, ठीक है। अब देखते हैं, अब टाइम होता है तो हम आगे करेंगे, एक क्वेश्चन और है वो मैं बता देता हूँ आपको। अ मैन हैज राउंड द स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 15, एक स्क्वायर पार्क है, उसकी साइड क्या है 15 है, हाउ मेनी राउंड शुड ही टेक ऑर्डर टू कवर द 420 मीटर। देखो पहले तो हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर क्या होता है, वन राउंड होता है ना, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझना, ये तो समझ में आएंगे आप, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम थोड़ा सा कम है ना। देखो एक स्क्वायर पार्क है, दिस इज नंबर 6, वन स्क्वायर पार्क इज देयर, आप करने की कोशिश करना, इसका जो वन राउंड है ना, वन राउंड इज इक्वल टू पेरीमीटर, करेक्ट ना, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ, इसकी जो साइड है वो कितनी है 15 है, राइट ना, साइड क्या है 15 है, साइड 15 है, वन राउंड पेरीमीटर हो गया, उसका पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, मींस 4 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना हो गया 60 मीटर, राइट ना, 15 4 जा 60, ये तो हो गया वन राउंड। इसने कहा है कि 420 मीटर कवर करने के लिए, अब वन राउंड इक्वल कितना है, अगर मैं एक राउंड की डिवाइड कर दूं, सो नंबर ऑफ राउंड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, राइट, डिवाइड बाय वन राउंड, करेक्ट ना, एक राउंड में जितनी डिस्टेंस कवर होगी उसका हम डिवाइड कर दें, तो कितना आ जाएगा, ये कितना है टोटल, टोटल डिस्टेंस इसने बताइए 420 मीटर, 420 डिवाइड बाय 60, 0 टू 0 67 जा 42, दिस इज 7 राउंड, यानी वो 7 राउंड पूरे ले लेगा, ठीक है। ये आपके हो गए 6 क्वेश्चन और 12.1 हमारी फिनिश हो गई है, 12.2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। सो आई थिंक दिस मच इज इनफ टुडे, नेक्स्ट वीडियो होगी पूरी एरिया की होगी, और 12.2 हम कोशिश करेंगे उसमें फिनिश हो जाए, या जितना होगा उतना करेंगे। अगेन आई एम सेइंग राइट योर नेम और फुल नेम इन योर कमेंट बॉक्स, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।